पीसीसी जनरल सेक्रेटरी इमरान तबकीर साहब हैं यहाँ पर, जो जिस तरह से आज एहतजाज किया गया, जिस तरह से एहतजाज किया गया, तीन कानून कल नए बदल दिए गए, आपको वो कानून क्या है मालूम है? वो कानून देश को तोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। क्या है वो कानून बताइए? वो एक्चुअली जो हमारी जो डिमांड रही थी, जो संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं, मोदी जी संविधान की रक्षा करने के बजाय अदानी और अंबानी की गुलामी। तीन कानून कल बदल दिए गए, नए कानून उसकी जगह पर लाए गए, जो इंडियन पिनल कोड जो पहले था ब्रिटिश के ज़माने में, वो कौन से कानून? एक कानून जो है वो जो अभी मंत्रिमंडल जो बैलर जो बहुमत से पास होता है, वो बहुमत से पास करने के लिए वो नहीं कर रहे हैं, और जो हमारा विरोध पक्ष जो दल रहता है उनको जो बाइट करने के लिए जो वक्त दिया जाता है वो नहीं है। ये सिर्फ अपने अमित शाह और मोदी जी अपने चंद मंत्रियों को लेकर, केंद्र मंत्रियों को लेकर देश का हनन करने में लगे हैं। इलेक्शन कमीशन को लेकर भी एक कानून बदल दिया गया, आपको मालूम है? जी बिल्कुल, अभी वही तो मैं बताना चाहता हूँ। जब अभी एग्जाम्पल दो टीमें होती है, एक इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया, और उसमें तीन मेंबर चुने जाते हैं चुनिंदा बहुमत हासिल करने, ये संविधान में लिखा है। मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, उसमें एक होते हैं पैट कमिट्स जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, और उनके महान बल्लेबाज डेविड वार्नर, और एक रोहित शर्मा। तो जब कमेटी बनाएंगी तो अंपायरिंग करने वाला किसी को चुनेगा? जो ऑस्ट्रेलिया का जो एआईसीसी जो सदर रहेगा एआईसीसी को ही चुनेगा ना, रोहित शर्मा थोड़ी चुनेगा। तो इसी तरह से उन्होंने वैसे कर रहे हैं, जो विरोध पक्ष जो दल है खड़गे जी और अमित शाह जी और मोदी जी नहीं खड़ा कर कर कल जो है इलेक्शन कमीशन को लेकर एक नया कानून उन्होंने पास किया, वो क्या कानून है बताइए? वो कानून इस तरह से कि देश को झिझोड़ने का काम कर रहे हैं, और जहां तक उसमें मीडिया बसों भी उनका साथ दे रही है, हम इसका विरोध करते हैं। चीफ जस्टिस को लेकर एक कानून पास हुआ, क्या मालूम है? देखिए चीफ जस्टिस का जो अभी से नहीं पिछले कई दिनों से जो करते आ रहे हैं, आज मामला रंग में आया है। आप मीडिया वाले से छुपा रहे हैं। जो आपको मालूम है जिस तरह से चीफ जस्टिस को लेकर एक कानून पास किया गया है, इलेक्शन कमीशन की जो टीम रहती है वो क्या है बताइए? वो कानून मैं वही आपको बताना जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बीजेपी की केंद्र सरकार है, जो चीफ जस्टिस में जो नॉमिनेट मेंबर्स रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के ला रहे हैं, और वहाँ कांग्रेस और अन्य दलों को कम ला रहे हैं। नहीं नहीं, मैं एक बताता हूँ, चीफ जस्टिस को ही इसमें से निकाल दिया गया है, ये कानून पास किया गया है हमारे इमरान। मैं बताना जा रहा हूँ, बहुमत ज़्यादा होने के बाद चीफ जस्टिस बचेगा कहाँ? संविधान बचेगा कहाँ? डेमोक्रेसी रहेगा कहाँ? सारे बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर क्यों नहीं आए आज? राजू सेठ भी नहीं है, सतीश जारकिहोली नहीं है, लक्ष्मी बाड़कर, आप लोग ही सब हैंडल कर रहे क्यों? मसला ये है के जितने भी हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी इन्हें पहले से हम करते आ रहे हैं, वो हमारे सीनियर्स हैं, वो आए हैं। जब इतना बड़ा मामला हो गया है, 141 एमपी को सस्पेंड किया गया है, इतना बड़ा मामला था, पूरे मुल्क की सतह पर एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ है मालूम है? अभी दूसरे जो स्टेट में जो कोविड का वगैरह वगैरह मसले चल रहे हैं, उसमें वो बिजी हुए, कोविड की वजह से नहीं आ पाए। कोविड की वजह से नहीं, दूसरे मसले सॉल्व करने के लिए, जब कॉर्पोरेशन में सिटी का बहुत सारे मसले मसाइल हैं, हमारे नॉर्थ एम एल उधर बिजी हैं, सतीश नजरकर साहब बेंगलोर में है, तो चंद मसले में नहीं है, उन्होंने हमें प्रोत्साहन तुम्हें बोल दिया है कि आप करो हम नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम वक्त मिलेगा तो आएंगे, आपके चालू रखिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर।